श्री गणाधिपतये नमः। शरणागत दीनार्थ परितारण परायणी सर्वस्यार्थ हृदेवी नारायणी नमस्तुते। रविवार व्रत कथा जो कि अब आपके सामने प्रस्तुत है, जो कि भगवान सूर्य जी की प्रसन्नता के लिए ये व्रत रखा जाता है, रविवार को रखा जाता है। जिनका सूर्य कमजोर होता है या सूर्य खराब होता है, उनको उच्च करने के लिए, सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए और उनके शुभ फल के लिए ये व्रत रखा जाता है। सो इस प्रकार से नियम है, सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। शांत चित्त से व्रत का पहले संकल्प लेना चाहिए कि हे सूर्य भगवान, आज मैं आपके लिए रविवार का व्रत रखूंगा। दिन भर कार्य करें, सच बोलें, ईमानदारी का व्यवहार करें और कम से कम एक परोपकार का काम रविवार को जरूर करें। व्रत के दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन तथा फलाहार सूर्य अस्त से पहले ही करें, यानी सूर्य छिपने से पहले कर लें। यदि सूर्य छुप जाए तो दूसरे दिन सूर्य भगवान को अर्घ यानी जल देकर ही अन्न जल ग्रहण करें। व्रतधारी व्रत की समाप्ति से पहले रविवार की कथा जरूर सुने या कहें या पढ़ें, जैसे भी सहूलत हो। व्रत के दिन नमकीन और तेल युक्त भोजन भूल कर भी ना करें। इस व्रत के करने से आंखों का रोग छोड़कर सभी रोग दूर हो जाते हैं, राज्यसभा में सम्मान बढ़ता है और शत्रुओं का नाश होता है। सो कथा इस प्रकार से है। अत्यंत प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। वो प्रत्येक रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखती थी। उसका नियम था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यानी सुबह 4:15 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त होता, उसमें उठकर शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीपकर शुद्ध और सात्विक भाव से भोजन बनाती थी। तीसरे पहर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं शेष भोजन को भगवान का प्रसाद समझ करके विनम्रता भाव से ग्रहण करती थी। इस व्रत के सुपरिणाम स्वरूप उसका घर धन धान से भरा हुआ था। वो सभी प्रकार से सुखी और संतुष्ट थी। उसी बुढ़िया के पड़ोस में एक और स्त्री रहती थी। उसे उस बुढ़िया की संपन्नता अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उसने रविवार के दिन बुढ़िया के उठने से पहले अपनी गाय का गोबर उठाकर अंदर रख लिया। आसपास कोई गाय और नहीं थी, फलतः बुढ़िया मन मार कर रह गई और घर लीप न सके, भोजन बना न सके, भगवान को भोग लगा न सके, इसलिए भूखी प्यासी ही सो गई। अंतर्जामी भगवान ने अनजान बनते हुए बुढ़िया से भोग न लगने और प्रसाद न पाने का रहस्य पूछा, गाय का गोबर ना मिलना। जब बुढ़िया ने कारण बताया तो दयालु भगवान ने कहा, भक्तिन, तुम क्योंकि सच्चे मन से निष्काम भाव से मेरा व्रत रखती हो, इसलिए मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूं जो तुम्हारी सभी कामनाओं की पूर्ति करेगी, क्योंकि मेरा व्रत भक्तों के सभी संकटों और अभावों को दूर करके रिद्धि सिद्धि प्रदान करता है। प्रातः उठते ही बुढ़िया ने अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा देखा तो उसकी प्रसन्नता का कोई पारावार ना रहा। वो उस गाय बछड़े की बड़े प्यार से सेवा करने लगी। वो गाय विशेष गुणों से संपन्न थी। वो सोने का गोबर करती थी। संजोग से उसके प्रथम गोबर त्याग को ईर्ष्यालु पड़ोसन ने देख लिया, फलता वो ताक में रहने लगी और जैसे ही गाय गोबर करती पड़ोसन उसे उठाकर ले जाती और उसके स्थान पर अपनी गाय का गोबर रख जाती। सूरज भगवान ने चालाक पड़ोसन की इस चालाकी से उस बुढ़िया की रक्षा करने का एक उपाय निकाला। शाम के समय बड़ी जोर की आंधी चली, बुढ़िया को गाय घर में बांध कर सोना पड़ा। सुबह उठने पर गाय के नीचे सोने का गोबर देखा तो उसे उसकी विशेषता का ज्ञान हो गया। अब वो शाम को गाय घर में ही बांधने लगे। ईर्ष्यालु पड़ोसन ने इस प्रकार जब अपने को सोने से वंचित होता देखा
तो उसने राज दरबार में जाकर राजा को सुनाया कि मेरी पड़ोसन की गाय सोने का गोबर देती है, वो तो आपकी गौशाला में रहनी चाहिए ताकि आप उस सोने से प्राप्त धन के द्वारा प्रजा की भलाई कर सकेंगे। राजा को बात जच गई। उसने तत्काल सिपाहियों को भेजकर गाय खुलवाकर मंगाई। बुढ़िया के रोने धोने का राज कर्मचारियों पर कोई असर नहीं हुआ। वो शनिवार की शाम थी, दूसरे दिन रविवार था। बुढ़िया गाय के वियोग और गोबर के अभाव के कारण उस दिन आंगन घर का ना लीप सकी, ना भोजन बना सकी और ना ही सूरज भगवान को भोग लगा सकी। दयालु भगवान सूरज को फिर दया आई और उन्होंने राजा के राजमहल को गोबर से ऐसा भर दिया कि राजा के नाक में दम आ गया। उन्होंने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि या तो सुबह होते ही बुढ़िया की गाय उसके पास भिजवा दें, अन्यथा तुमको और तेरे राज को मैं नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने सम्मान सहित गाय बुढ़िया के पास भेज दी। उसका पूज्य आदर सत्कार करके पर्याप्त भेंट भी दी और राजा ने राज्य में घोषणा करा दी कि जो कोई भी सूर्य भगवान की भक्तन बुढ़िया को किसी भी प्रकार से सताएगा उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। दूसरे आदेश द्वारा उसने प्रजा को प्रत्येक रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखने का भी आदेश सुना दिया। व्रत के सुपरिणाम स्वरूप राजा की और प्रजा की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो गईं और प्रजा तथा राजा आनंद के साथ भगवान की कृपा का बखान करते हुए दीर्घकाल तक सुखी और संतुष्ट रह करके स्वर्ग लोक को सिधार गए। ये रविवार की कथा है। इस कथा से भगवान सूरज अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध करते हैं और करने वाले भक्तजन हर प्रकार के मनोरथ अपना पूर्ण कर लेते हैं, भगवान सूर्य नारायण की कृपा के पात्र बनते हैं। बोलो सूर्य भगवान की जय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम।